अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस की पहली बैठक बुधवार को बिलनपुर स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में मुख्य रूप से अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अजय उपाध्याय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर अजीज अहमद, प्रदेश समन्वयक अनुपाध्याय, राकेश यादव, मंगलेश दुबे, अनिल सोनकर सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक से पूर्व डॉक्टर अजय उपाध्याय के प्रथम नगर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने श्री उपाध्याय को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। बैठक में मुख्य रूप से आगामी 2019 में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारी जीत पर रणनीति बनाई गई। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कहा, अजय उपाध्याय जिंदाबाद, और नजदीक आ जाइए, चाहे वो रेड़ी पटरी वाले हों, जिनको सरकारी सैलरी नहीं है, जिनका पीएफ नहीं कटता है, या आप सीमांत किसान हैं, मजदूर मनरेगा मजदूर हैं, इन लोगों के लिए ही कांग्रेस पार्टी का एक नया विंग ऑल इंडिया ऑर्गेनाइज वर्कर कांग्रेस है। राहुल जी ने खुद इसका उद्घाटन किया था, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय थे, और लगातार इस पर प्रयास उनका भी है। हम लोग जितनी भी मीटिंग अभी तक किए, चाहे दिल्ली में या दूसरे राज्यों में, सभी राज्यों में उनका उनकी शुभकामना और सीनियर लीडर्स का, जैसे छत्तीसगढ़ में अभी 1 मई को हमने कार्यक्रम किया था जिसमें पीएल पुनिया जी, वहाँ के पूरे प्रदेश का नेतृत्व जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोग थे। राहुल गांधी जी ने ऑल इंडिया ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कांग्रेस के बैनर तले एक नए विंग की स्थापना की है पिछले महीने, और उसी का उत्तर प्रदेश में हम लोग विस्तार कर रहे हैं, जिसमें गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जो असंगठित क्षेत्र में इस देश में लगभग 93% लोग काम करते हैं, उनके लिए, सीमांत किसानों के लिए, भूमिहीन जो किसान मजदूर हैं उनके लिए, मनरेगा वर्कर के लिए, या रेड़ी पटरी पर काम करने वाले जो गरीब लोग हैं उनके लिए राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी सहभागिता, उनकी हिस्सेदारी हो, उस हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना इस नए विंग का मुख्य उद्देश्य है। आज उसी के तहत गोरखपुर पूर्वांचल मंडल का बैठक हम यहाँ पे, गुड्डू तिवारी जी संयोजक हैं, राकेश यादव जी हैं, सभी लोगों को, डॉक्टर साहब हैं, सबके नेतृत्व में एक आगे की कार्य योजना हमें बनानी है कि पूर्वांचल में किस तरह इन लोगों की आवाज़ को कांग्रेस पार्टी उठाए, और आने वाले समय में जब देश एक नए संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, भाजपा की सरकार जिस तरह से सभी मुद्दों पर फेल्योर है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, सभी को कहीं ना कहीं इससे निजात दिलाते हुए, इन गरीबों की आवाज़ को पार्टी कैसे अपनी आवाज़ बना करके पूरे देश के मंच पर, और विशेषकर उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के मंच पर आगे ले जाए, यही इस पूरे आज के बैठक का उद्देश्य है।